दोस्त नमस्कार। आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश, मैं हूँ देवेश। दोस्तों, पिछले 1 साल से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता चला जा रहा है, और जब जब विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े हुए आंकड़े बाहर आते हैं, जमाने भर का उधम होता है, और इन आंकड़ों का करेला नीम चढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में बड़ी बुरी हालत है। श्रीलंका की लुटिया डूब गई, पाकिस्तान का कुचल्ला उड़ गया। क्यों? क्योंकि उनका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। तो ऐसी ही हालत तो कहीं भारत की ना हो जाए, ये डर हम सभी को सताता है। इसलिए यदि आप इस चार्ट पर फोकस करें तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार टूटता चला गया। 100-150 बिलियन डॉलर भाई साहब फूंक दिए रुपये की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात हुई है, अक्टूबर महीने के अंत में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 6 से 7 बिलियन डॉलर बढ़ गया मात्र 7 दिनों में। तो भैया जी, बड़ा सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना भयंकर बढ़ गया? और दोस्तों, ये जो उछाल आया है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में, ये पिछले 1 साल का सबसे सबसे बड़ा उछाल है। तो कारण क्या है? दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो उछाल आया है, ये अपने आप आया है, बैठे बैठे आया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने कॉमन सेंस के सिद्धांत का पालन किया है, जो कहता है कि निर्भरता शोषण को जन्म देती है। तो उन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर तो रखा ही है, साथ में थोड़ा सा पाउंड, यूरो, येन भी रखा हुआ है। तो पिछले सप्ताहों में क्या हुआ है कि डॉलर के दाम गिरे हैं, और हमने इस घटनाक्रम को कवर किया है इसी चैनल पे। तो डॉलर के दाम जब गिरे, तो डॉलर के मुकाबले पाउंड, येन, यूरो, उनके दाम चढ़े, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ी। हमारे पास जो पाउंड, येन वगैरह रखे हुए हैं, उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई। साथ में गोल्ड के दामों में भी उछाल आया, तो हमारे गोल्ड रिजर्व की वैल्यू भी अपने आप बढ़ गई। मतलब भाई साहब, बैठे बैठाए किस्मत चमक गई। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी रणनीति सही थी। हमने डॉलर पर निर्भरता क्रिएट करते समय अन्य करेंसी भी अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप भी निवेश के मामले में किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहेंगे, चाहे वो बैंक हो, ब्रोकर हो, एजेंट हो, टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, तो आप पक्का जानिए आपका शोषण ऑलरेडी हो रहा है। आपको देने होंगे अपने जिंदगी के मात्र 5 दिन अथवा 40 घंटे, पर्याप्त है। इसमें आप सीख जाएंगे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की दोनों कलाएं। उसके बाद आप टिप लेने वाले नहीं, टिप देने वाले बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, 1 जनवरी से हमें आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स की फीस डबल करनी पड़ रही है। इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, क्लिक करके आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।